अस्सलाम वालेकुम, हेलो टू ऑल गेमर्स, वेलकम बैक विद अनदर GTA 5 रियल लाइफ मोड्स वीडियो। तो यार, न्यू बिगिनिंग सीरीज का एपिसोड नया आ चुका है और यार तुम लोग काफी कमेंट्स कर रहे थे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही। तो लास्ट वीडियो में तुम लोगों को पता होगा कि हमारे माइक की क्वालिटी काफी खराब थी, साउंड काफी अड़ के आ रही थी, तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि हमें माइक आया है ऑल दी वे फ्रॉम जापान। तो यार, हमें फराज भाई पाकिस्तानी द गेमर ने ये माइक सेंड किया है, तो बिग शाउट आउट टू पाकिस्तानी द गेमर फराज भाई। सो माइक की तरफ से अब कोई इश्यूज नहीं आने वाले और क्वालिटी तुम लोगों को नजर आ ही रही है, बिल्कुल क्रिस्प क्लियर साउंड मिलेगी। बाकी वीडियोस जो है रेगुलर आएंगी, जिस तरह वीडियोस पहले आ रही थी उसी तरह वीडियोस आएंगी, और मंडी सीरीज भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, तो यार टेंशन नहीं लेनी, सारी वीडियोस आएंगी। 40K सब्सक्राइबर्स पूरे करवाओ, 40K का टारगेट चल रहा है, और 1K लाइक्स करवाना मत भूलना इस वीडियो पे। कॉमेंट करके लाजमी बताना वीडियो कैसी लगी, सजेशन वगैरह अपनी देता रहा करो कॉमेंट्स में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वीडियो को एंजॉय करो। थैंक यू। जी 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 सर, सर आपने ऐसा करना है, सुबह आपने ऑक्शन पे आ जाना है। जी, ऑक्शन पे आके आप काउंटर पे आ जाएंगे तो वहाँ पर ही आपकी गाड़ी जो है वो रजिस्टर हो जाएगी और ऑक्शन में डाल दी जाएगी। जी सर, काइंडली आप सुबह आ जाएं। जी जी जी, ओके। यार इतने बंदों की फ़ोन आ रहे हैं, बॉस ने भी ना कि ओ हेलो। जी जी सर, जी जी सुबह ऑक्शन है, ऑक्शन जी जी ऑक्शन स्टार्ट होगी 12 बजे के बाद, आपने ऐसा करें जितनी जल्दी गाड़ी हो सके ले आएँ ताकि वो लिस्ट में ऐड कर दी जाए, फिर जैसे आपकी बारी आएगी उसी तरह आपकी गाड़ी की बोली लगेगी। यार इतने लोगों की कॉल्स आ रही हैं, सर ने तो फंसा ही दी है। हेलो जी जी सर, जी नहीं नहीं फ़ोन पर रजिस्टर नहीं होगी, आपने सुबह गाड़ी लेके आना है। जी सुबह आप गाड़ी जल्दी से ले आइएगा ताकि आपकी गाड़ी सबसे पहले रजिस्टर हो जाए और आपकी बारी जल्दी आ जाए। जी सर, माइकल बॉस को फ़ोन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, इस टाइम इतनी कॉल्स आ रही हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो सर। हाँ सर, वो असल में इतनी कॉल्स आ रही हैं, जब से न्यूज़पेपर में आपने वो ऐड दी है ना, तो कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और लोग गाड़ियाँ रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, तो सुबह तो काफ़ी रश लग जाएगा, तो हम अपनी गाड़ियाँ कैसे सेटल करेंगे वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से हमें अभी अपनी गाड़ियाँ जो हैं भेज देनी चाहिए। यार इस टाइम गाड़ियाँ कैसे भेजेंगे, इस टाइम तो कोई ट्रक वगैरह भी नहीं मिलेगा, और ये तो इस टाइम क्यों बता रहा है मुझे। बस बस वो अभी मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि वो सुबह 5 बजे पहुँच जाएंगे वहाँ गाड़ियाँ लेके। यार इस तरह तो काफ़ी रश लग जाएगा वहाँ पर, और इस तरह फिर हमारी गाड़ियाँ भी डैमेज हो सकती हैं, तो बेहतर यही है कि फिर इस टाइम कोई ट्रक का इंतज़ाम करो और गाड़ियाँ भेजो यार शोरूम से गाड़ियाँ निकाल के ऑक्शन वाली साइड पे भेजो जल्दी से। मैं भी ऐसा करता हूँ, शोरूम के लिए निकलता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ शोरूम, तू भी रेडी हो जा और कामरान को उठाओ सके कि कोई ट्रक वाले का बंदोबस्त करे ताकि गाड़ियाँ लोड करें और यार गाड़ियाँ भेजें, सुबह वैसे भी टाइम नहीं होना, बेहतर यही है अभी हम लोग गाड़ियाँ भेज दें। जी सर बेहतर यही है, क्योंकि कस्टमर भी बहुत ज़्यादा होना है और बंदा भी बहुत ज़्यादा होना है, तो फिर गाड़ियाँ डैमेज हो सकती हैं, पहले से खड़ी होंगी तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके सर, इस टाइम भी काम पे जाना पड़ेगा। यार सदीक साहब का भी कोई हाल नहीं है, इस टाइम यार फ़ोन करके बता रहे हैं, अब कह रहे हैं कस्टमर्स की कॉल्स आ रही हैं कि उन्होंने गाड़ियाँ अपनी लगवानी हैं सुबह, तो हमारी गाड़ियाँ शोरूम की डैमेज हो सकती हैं सुबह अगर हम लेके जाएंगे, तो बेहतर ये है अभी गाड़ियाँ लगा दें। यार अब जल्दी से तैयार होकर शोरूम पहुँचना पड़ेगा, इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे हम लोग शोरूम खोलेंगे आज। कमाल है सदीक साहब। ओए कमी, ओए कमी उठ, प्रॉफिट नहीं दिया है। ओए क्या बोल रहे, उठ जा, प्रॉफिट उठ जा यार, कमी काम पे जाने, उठ यार। ओ कौन आ गया यार, सदीक साहब इस टाइम कहाँ से आ गए हो। यार कमरान वो जाना यार शोरूम खोलना है और गाड़ियाँ जो है ना वो ऑक्शन साइड पे भेजनी है सारी ट्रक पे। इस टाइम ट्रक कहाँ से आएगा बॉस। यार फोन करना अपने उस दोस्त को, उसको भेज ट्रक भेज। यार सदीक साहब आपका भी कोई हाल नहीं। ओ, ओ भाई, ओए ध्यान से किधर बजे, नींद से उठाओगे यही होगा, सब्र करो मुंह धो के आता हूँ। इस टाइम कहाँ से ट्रक मिलेगा। यार गाड़ी तो मिल ही जानी थी, आखिरकार मेरे पापा के दोस्त की गाड़ी थी। बेटा वो किसको पता था कि माइकल अंकल के दोस्त की गाड़ी है। अरे अरे माइकल अंकल की दोस्त की गाड़ी नहीं थी, वो थी उसकी कज़न की गाड़ी, फ्रैंकलिन के कज़न की गाड़ी थी यार, इसलिए मिल गई। वैसे शुक्र है यार गाड़ी मिल गई। और यहाँ एक ही बात है, फ्रैंकलिन अंकल और पापा यार बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ उन्होंने ग्रैंडी भी आपस में एक्सचेंज की थी है ना।
हाँ यार वो गाड़ियाँ लेते रहते हैं एक दूसरे से। यार वैसे हम लोग यहाँ पर क्या ये चांद देखने बैठे हैं? हाँ तो और क्या यार, इतनी गर्मी है, अंदर एसी भी नहीं चल रहा। और यार पापा को कहें एसी का कुछ करो, पापा कह रहे हैं यहाँ एसी लगवा के देते हैं। हाँ यार एसी लगवा भाई, मैं तो तुम लोगों को साथ देने बैठा हूँ यहाँ पर, वरना मैं तो घर जाके इजी होके एसी में सोता। भाई आपकी कमरे में तो लगा हुआ है ना। ओ यार हमारा भी लग जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, बस एक दो दिन की बात है। अरे जिमी यार जानवर नहीं लेना यार, बकरा ईद आ रही है। हाँ यार लेना है जानवर, करना है उसका भी कोई सीन। हाँ बेटा ऐसा करते इधरी कहीं सारे जानवर इकट्ठे ही रखेंगे। हाँ यार कुछ ना कुछ तो करेंगे, फिर चलते हैं ना कल परसों मंडी। हाँ यार जाना है। यार सिद्दीक साहब बंद भी कर लो दरवाज़ा, अजीब यार बॉस को भी ना आधी रात को काम याद आ रहे हैं, सोने भी नहीं देते यार सुकून से। ये तो अब ऑफ का टाइम है ना, इस टाइम तो बंदा यार सुकून करता है, और हम लोग शोरूम खोल रहे हैं आधी रात 3 बजे। वही निकाल ले बाइक, बाइक निकाल। आज सिद्दीक साहब बैठ जाओ यार आगे, तब चढ़िए यार, इस टाइम कौन जाता है शोरूम। यार अब क्या कर सकते हैं, सुबह ऑक्शन है, गाड़ियाँ पहुँचानी है वहाँ पर, कस्टमर्स की भी गाड़ियाँ आएंगी और भी लोगों की बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो काफ़ी वो मसला हो जाएगा, सुबह मैनेज नहीं होगा। हम सदीक साहब सब कुछ मैनेज हो जाता है यार, कामरान है ना। ओ यार तू तो है ना, लेकिन इसलिए अभी तुझे भेज रहे हैं, तू अभी जा और जाके लोकेशन पे गाड़ियाँ सेट कर। इस टाइम अब मैं वहाँ लोकेशन पे जाऊँ यार? सिद्दीक साहब को दिमागी इलाज करवाओ यार अपना, इस टाइम मैं वहाँ जाऊँ यार, और मैं नींद कैसे पूरी करूँगा भाई। हाँ हाँ तो वहाँ जाके सो जाइए ना गाड़ी में। यार सिद्दीक साहब ये ज्यादती है यार। ओ अब कुछ नहीं हो सकता, ओ ट्रक वाला भी आ गया। ओ यार ये भी जल्दी आ गया है। चल यार कामरान बाइक लगा दे इधर, आज आज बॉस के आने से पहले सारी गाड़ियाँ चढ़ानी है ऊपर। हाँ बॉस तो सुकून से आएंगे नींद पूरी करके। हाँ जी भाईजान क्या हाल है? हाँ कामरान कैसा है यार? हाँ मैं तो ठीक, आ गया फिर ट्रेलर लेके। वही इसको एक दफ़ा चेक कर ले, इसमें आ जाएंगी ना सारी गाड़ियाँ, 6 गाड़ियाँ तो इसमें आनी चाहिए। सदीक साहब गाड़ियाँ तो ज़्यादा है अपने पास, लेकिन हाँ 6 गाड़ियाँ तो आ जाएंगी इसमें, वैसे मुश्किल ही लगता है, गाड़ियाँ सारी लंबी हैं। ट्रेलर तो बिल्कुल ठीक है। वही चेक कर ले ट्रेलर ठीक है ना। हाँ हाँ ट्रेलर तो ओके है यार, बस गाड़ियाँ लगाओ अब। हाँ यार गाड़ियाँ लेके आ जा। अब गाड़ियाँ भी मैं लेके आऊँ, वाह सदीक साहब सही जा रहे हो यार। हाँ तो अब क्यों, तूने ही गाड़ियाँ लगानी है, जल्दी जा गाड़ियाँ लेके और गाड़ियाँ लगा। यार सदीक साहब सही बात है यार, वैसे चलो यार शोरूम के लिए निकले। आज पहली दफ़ा है कि शोरूम हम लोग रात के 3 बजे ओपन कर रहे हैं, और यार उसकी वजह यही है कि गाड़ियाँ पहुँचानी है जल्द से जल्द, ताकि सुबह कोई मसला ना हो, हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो पहले से वहाँ पर लग जाएँ और उनको कोई मसला नहीं होना चाहिए, बाकी कस्टमर की गाड़ियाँ आएंगी उनको देख लेंगे हम लोग, और ग्रैंडी ले जाते हैं हम जल्दी से यार, और शोरूम पहुँचते हैं। सदीक साहब को मैंने कहा तो है कि यार गाड़ियाँ जो है मैंने आने से पहले ट्रेलर पर लगा दें। यहाँ ये कौन है? यहाँ ये किसने गाड़ी स्टार्ट की है? वही कौन है, वही कौन है, वही देखी हुई चोर तो नहीं? और यहाँ नहीं नहीं ये गाड़ी किसने स्टार्ट की है भाई, ये तो ग्रैंडी लग रही है। हाँ आवाज़ उसी की है। यहाँ पापा कहाँ जा रहे हैं इस टाइम? अंकल ने कहाँ जाना है इस टाइम? यहाँ पापा तो इतनी लेट नहीं जाते। ओ भाई ग्रैंडी कहीं है। अंकल किधर जा रहे हैं इस टाइम? यहाँ पता नहीं, बस सुबह ये इवेंट हो जाए यार सही से, और मुझे पक्का यकीन है कि इससे हमारे शोरूम को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है और काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा हमें। और आगे तुम लोगों को पता है यार बकरा ईद भी आ रही है, तो बकरा ईद का भी सारा सिस्टम करना है, वो जिमी से बात करेंगे सुबह। फ़िलहाल तो यार ये इवेंट करवाते हैं, और इस इवेंट के बारे में तुम लोगों को मैं सुबह लोकेशन पर जाके डिटेल में बताऊँगा सारा। फ़िलहाल तो जल्दी से शोरूम चलते हैं। वाह यार ट्रेलर तो आ गया हमारा,
अब बस इन्होंने गाड़ियाँ चढ़ा दी हैं उसके ऊपर। सदीक साहब तो सामने ही खड़े हैं। बॉस आगे। एक मिनट यहीं पे गाड़ी लगा देते हैं फिलहाल। हाँ जी क्या हो रहा है? बॉस ट्रेलर पे गाड़ियाँ लगा दी हैं। जी जी बॉस मैंने गाड़ियाँ चढ़ा दी हैं ट्रेलर पे। अच्छा तो आप लेके जा रहे हैं? हाँ जी मैं लेके जाऊँगा इनको। अच्छा यार आपने ये बड़े ध्यान से गाड़ियाँ लेके जानी है, सारी गाड़ियाँ ब्रांड न्यू हैं तो आपने इनको ज़रा काफ़ी एहतियात से लेके जाना है और सेफ साइड से जाना, सुनसान जगह से ना जाना क्योंकि इस टाइम हालात भी ठीक नहीं है। सही है ना? बस मैं तो साथ ही जा रहा हूँ तो मैं देख लूँगा। हाँ यार कामरान देख लें अच्छे से। और सदीक साहब क्लियर है? जी बॉस 6 गाड़ियाँ तो चढ़ गई हैं यार। ट्रेलर तो ठीक लेके आए हैं, ट्रक भी अच्छा है, गाड़ियाँ देख लूँ उससे कौन सी लगाई। अच्छा नीचे सिविक लगा दी हैं सारी 11 जनरेशन, दो ही थी हमारे पास, दोनों लगा दी और ऑडी खड़ी कर दी है। ऊपर ग्रैंडे लगा दी हैं सारी। चलो सही है, गाड़ियाँ तो सही लग गई हैं। अब ये बस गाड़ियाँ पहुँच जाए वहाँ पर सही से, कोई मसला ना हो इनको क्योंकि सारी ब्रांड न्यू गाड़ियाँ हैं। एक ऑडी हमारे पास जो है ना वो यूज्ड है लेकिन बाकी गाड़ियाँ ब्रांड न्यू हैं तो इन पर तो कोई डेंट स्क्रैच कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते हम। चलें फिर कमरा निकल। ओके बस मैं जा रहा हूँ फिर। आज जी यार आप ना ये ट्रक बहुत एहतियात से चलाना, ध्यान से ठीक है, ज़्यादा स्पीड में ना चलाना। जी माइकल साहब आप फिक्र ही ना करें, कामरान बड़ा पुराना दोस्त है मेरा। हाँ जी चलें जी। ओके ओके बॉस फिक्र मत करें, ट्रस्टेड बंदा है, ध्यान से लेके जाना यार। जी सर। चला यार चला, भाई इसमें एसी है? हाँ है यार एसी है इसमें, चला तो सही। अरे अरे एसी तो बड़ा कमाल का यार इसका, जाने दे जाने दे। बॉस अब ये बाकी गाड़ियों का क्या करना है? ये मर्सिडीज़ खड़ी हैं अंदर दोनों। यार मर्सिडीज़ मैं ट्रेलर पे वैसे भेजना चाह नहीं रहा था, ट्रेलर पे अक्सर गाड़ियों को लग जाती हैं और वैसे भी यार गाड़ियाँ काफ़ी लंबी हैं वो दोनों। बॉस फिर इनका क्या करना है, इनको किस तरह फिर लेके जाएंगे सुबह? यार सदीक साहब ये गाड़ियाँ जो है ना ये जिमी और मैं लेके जाएंगे, एक गाड़ी जो है वो चला लेगा दयान और दूसरी गाड़ी जो है ना मैं चला लूँगा, तो हम इनको एहतियात से सुबह ले जाएंगे। बाकी गाड़ियाँ तो आप जाके खड़ी करवाएं ना, ये गाड़ियाँ हम सुबह ले जाएंगे। चलें बॉस फिर ठीक है, फिर ये गाड़ियाँ आप सुबह ले आइएगा। हाँ ये गाड़ियाँ मैं सुबह ले आऊँगा, आप भी ऐसा करो जाओ जाके थोड़ी नींद शीन पूरी करो अपनी, फिर उठना है। ओके सर। हाँ हाँ ऐसा करते हैं यार, ग्रैंडी जो है अपनी ये अंदर खड़ी करते हैं और अभी मैं अपनी एक गाड़ी ले जाता हूँ जो सुबह लेके जानी है। ये गाड़ी इधर ही खड़ी कर देते हैं, फिर वापस शोरूम पे आएंगे तो इस गाड़ी को वापस लेके घर चले जाएंगे। अभी ऐसा करते हैं यार अपनी मर्सिडीज़ E55 निकाल लेते हैं और उससे लेके घर चलता हूँ। सुबह जिमी को कहूँगा AMG जो है ध्यान के साथ आके निकाल ले और लोकेशन पे पहुंचा दे। इस गाड़ी को यहीं पे लगा देते हैं, यहाँ पर यार ये साए में रहती है और गाड़ी का पेंट नहीं डिस्टर्ब होता तो इसको इधर ही खड़ी कर देते हैं और मर्सिडीज़ निकालते हैं अपनी। चलो यार यहाँ पर ठीक है गाड़ी, अब जाके अपनी दूसरी गाड़ी निकालते हैं। यार इसकी चाबी यहाँ पर कहीं पड़ी होगी, सदीक साहब ने पता नहीं किधर रखी, मिल गई। आज ये गाड़ी चलाने का मौका मिल ही जाएगा मुझे, वैसे भी तुम लोगों को पता है ये गाड़ी मुझे काफ़ी पसंद है और मैंने सोचा भाई ये गाड़ी हम लोग खरीदेंगे, लेकिन एग्जैक्ट यही गाड़ी खरीदेंगे अभी ये कन्फर्म नहीं है। स्टार्टअप इस गाड़ी का काफ़ी कमाल का है, वैसे तो मुझे वो BMW भी पसंद आई हुई है अहमद साहब वाली, लेकिन वो अहमद साहब अगर बेचने को तैयार हो जाए तो शायद मैं वो ख़रीद लूँ या कोई पता नहीं मैं ये गाड़ी ख़रीद लूँ।
गाड़ी तो चेंज करनी है अब ग्रैंडी को, मैं सोच रहा हूँ सेल कर दूँ और कोई एक ऐसी गाड़ी रख लूँ। क्योंकि ग्रैंडी काफ़ी अर्सा रखी है हमने, करोला वैसे भी काफ़ी रखी हैं, तो अब थोड़ा चेंज लाना चाहिए। बाकी कमेंट्स में बताओ यार कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए मुझे, ये मर्सिडीज़ E55 या फिर वो अहमद साहब वाली BMW। चलो यार गोंचा काम तो सही कर रहा है अपना, अब जल्दी से इस गाड़ी को लेके पहुँचते हैं घर और इसको अंदर खड़ी कर देता हूँ। इसका लॉन्च चेक करते हैं यार, लॉन्च काफ़ी कमाल का इस गाड़ी का। ओए होए यार निकलती है गाड़ी, ओहो यार साउंड चेक करो इसका, साउंड कितना कमाल का है, एग्जॉस्ट गाड़ी काफ़ी कमाल की है ये वैसे। ओहो यार ये गाड़ियाँ पता नहीं क्यों लगा देते हैं यहाँ पर, खैर ओहो ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों टॉर्च लाइट लेके खड़े हुए हैं इस टाइम यहाँ पर, मुझे लगता है शायद लाइट चली गई होगी इसलिए नीचे आए थे। यहाँ देखना कौन है, ओई ओई कौन है, ओ अंकल 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 है, ओ यार मेरे मुंह पे तो ना लाइट मार, ओ अंकल सॉरी सॉरी, ये तुम लोग लाइट लेके नीचे क्यों खड़े हो? यार पापा लाइट चली गई थी और यार तो हम लोग नीचे आ गए, गर्मी लग रही थी यार। ये आप ये मर्सिडीज़ लेके यहाँ पर क्या कर रहे हो? यार ये सुबह वो इवेंट पे लेके जानी है उसी लोकेशन पे ना, तो ये गाड़ी इसलिए लेके आया हूँ मैं, बाकी गाड़ियाँ ट्रेलर पे भिजवा देंगे। यार ये अपना इवेंट तो बताओ यार, ये क्या है इवेंट बता ही नहीं हमें। यही मैं आगे बैठूँगा, वही मैं इधर बैठ जाता हूँ। चलो यार ओहो गाड़ी अंदर खड़ी करनी है जिमी, यहाँ कुछ नहीं होता एक राउंड लगा के आते हैं ना। अच्छा राउंड लगाना, तो फिर राउंड छोड़ शोरूम चल दूसरी गाड़ी लेके आते हैं। दूसरी कौन सी गाड़ी लेके आनी है? यार वो दूसरी अपनी नहीं है AMG वाइट वाली अंकल, वो वाली हाँ हाँ वही लेके आनी है, वो भी सुबह लेके जानी है। फिर वो तो मैं चला लूँगा, हाँ वो तू नहीं चलानी है यार, जिमी को नहीं देनी, वो गाड़ी बहुत तेज़ है अंकल, वो तो मैंने पहले भी चलाई हुई है, वो मैं चला लूँगा। हाँ हाँ ठीक है यार, क्या मतलब मैं भी गाड़ी चलाने, तो मेरे पास भी अब RS है, इतनी तेज़ गाड़ी है। RS है ना 10 गुना तेज़ गाड़ी है वो अंकल इसको क्या पता हो, यहाँ पता है मुझे सारा, ये गाड़ी भी काफ़ी तेज़ है। ओए आराम से चलाई, आराम से ही चला रहा हूँ यार। अच्छा बताओ तो सही भाई ये कौन सा इवेंट है? यार ये सुबह पता चल जाएगा ना। ओए होए यार क्या कमाल की साउंड है इसकी, ओए होए पैडल से पैर हटाने का दिल ही नहीं कर रहा यार। तमीज से जिमी, ये आराम से चला ले यार, जाऊँ यार लेके आऊँ? हाँ यार वो उधर सदीक के ऑफिस में चाबी पड़ी होगी। जी जी अंकल मैं लेके आता हूँ। फाइनली यार इस पे हाथ साफ करने का मौका मिल गया, आज तो इसे निकालेंगे यहाँ से। लास्ट टाइम हम लोगों ने रात में निकाली थी ये गाड़ी और तब भी मैं सही से इंजॉय नहीं कर पाया था इसको, लेकिन अब तो इसको सुबह दूर लेके जाने, सही से इस गाड़ी को चला के देखेंगे, सारी टेस्टिंग करेंगे सुबह। ओह भाई साहब ये गाड़ी इतनी तेज़ है ना यार, कमाल की गाड़ी है। वैसे मेरा पूरा मूड था ये गाड़ी लेने का, लेकिन अब मार्केक्स लिए तो मार्केक्स तैयार करेंगे। ओ यार आ गई, ओए सबर कर मुझे ऐसा कर मुझे उतार दे, मैं ध्यान के साथ आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है जाओ। एक बंदा होना चाहिए उस गाड़ी में, आ जाए आ जाए अंकल आ जाए। वाह यार इंटीरियर तो काफ़ी कमाल का है इसका अंकल, बड़ी कमाल की गाड़ी है ये। और यार इसके काम देख, अभी ड्रिफ्टें मार रहा है उस पर अंकल आपको पता तो है उसका। यार इसका इंटीरियर तो काफ़ी प्यारा है, कलर चेक करें ना इंटीरियर का। हाँ यार ये लाइट्स वगैरह भी ज़्यादा प्यारी हैं इसकी। ओहो आराम से अंकल इसकी काम चेक करें, ओए आराम से यार सब्र कर उतरने दे इसको, फिर बताता हूँ मैं इसको। फुल भगाता वाला है गाड़ी, इसकी वजह से हमें भगानी पड़ी है गाड़ी। ओहो ध्यान से यार।
यार ऐसा करो, ये रिबॉन खड़ी है, जिमी से चाबी ले और रिबॉन बाहर निकाल। जी जी अंकल, मैं रिबॉन बाहर निकालता हूँ। ये गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी कर दें? हाँ, अंदर उन दोनों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, पर वो निकालनी पड़ेगी, फ़िलहाल बाहर ही खड़ी कर दो। चलिए ठीक है। वही जिमी, चाबी दे यार, रिबॉन की निकालनी है। चलो यार, मैं इस टाइम जा रहा हूँ लोकेशन पे और देखते हैं यार अहमद साहब ने सारे अरेंजमेंट्स करवाए हैं या नहीं। और यार इस गाड़ी के टेंट्स का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है लेकिन लग नहीं रही और गाड़ी बिल्कुल चिल है। सदीक भी वहीं पे है और कामरान तो रात से वहीं पे है। तो देखते हैं यार, इन्होंने सेटिंग की है सारी और लोग आए हैं अभी। टाइम तो हो रहा है, 9 बज गए और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्योंकि कामरान का मुझे फ़ोन आया था सुबह 5 बजे के, सर लोगों ने लाइन लगा दी और काफ़ी लोग आ गए हैं। होपफुली यार ये इवेंट हमारा अच्छा जाए, क्योंकि इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और आगे भी हम ऑक्शन दोबारा भी करवाने का सोच सकते हैं। फ़िलहाल यार गाड़ियाँ तो काफ़ी नज़र आ रही हैं, वो भी पीछे तक लाइन लगी हुई है और अभी शायद अंदर भी कुछ गाड़ियाँ हों। हमारी शोरूम की गाड़ियाँ तो अंदर होंगी। काफ़ी लोग आए हुए और अभी तो कामरान कह रहा था कि कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर करवा के चले गए हैं, वो ऑक्शन के टाइम पे आएंगे। ओहो यार, इधर से गाड़ी एंटर करवानी है मैंने। पहुँचे भैया, गाड़ी पीछे करें, बहुत आए। हेलो बॉस, वाह यार। चलो जी गाड़ी अपनी अंदर खड़ी करते हैं। यार ये रेड सिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, कंडीशन इसकी अच्छी लग रही है। ओहो भाई साहब, सामने से तो हट जाओ यार। यार अरेंजमेंट तो मुझे काफ़ी कमाल का लग रहा है, अब ये उतर के एक दफ़ा देखते हैं सारा। ये सारा अहमद साहब ने करवाया हमारे लिए अरेंज। गाड़ी मैंने इधर लगा दी, हमारी AMG जो है वो उसके साथ आ जाएगी। और ये गाड़ी भी इधर आ गई, 55। यार ये चीज़ें किसने रखी हुई है यहाँ पर, ये भी हटवाओ। अहमद साहब से कहता हूँ ये चीज़ें हटवाएं यार। इधर आ जाएगी हमारी दूसरी गाड़ी और ये हमारी ऑडी खड़ी है। और बाकी गाड़ियाँ भी तुम लोग देख सकते हो, ग्रैंडी, सिविक एक्स, सिविक 11 जनरेशन, सारी गाड़ियाँ हमारी खड़ी हुई हैं। और इधर यार लाइन लगी हुई है लोगों की, रजिस्टर करवा रहे हैं अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर। ओहो बॉस आ गया आप। कामरान साहब कोई काम करने का इरादा है या ऐसे ही बैठे रहना है? नहीं नहीं सर, काम हो रहा है। यार वो E55 लगा दिए, तो जाके ज़रा उसे देख ले। जी जी सर, मैं देखता हूँ। और अहमद साहब कैसे हैं? जी जी माइकल साहब, मैं बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं, आप काफ़ी लेट नहीं हो गए? जी अहमद साहब, बस थोड़ा सा टाइम लग ही गया था। सदीक साहब आप भी फुल काम कर रहे हैं? जी जी बॉस, फुल ज़ोर से काम चल रहा है। चलो ये तो यार अच्छी बात है, जितनी गाड़ी रजिस्टर कर सकते हो कर लो। जी जी सर। आए अहमद साहब, ज़रा चेक तो करें। चलो यार यहाँ पर थोड़ा खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है हमने, क्योंकि यार ऑक्शन चलनी है 5-6 बजे तक, तो यार कुछ खाने पीने के लिए तो होना चाहिए। और यहाँ बैठने का इंतज़ाम भी है, तो लोग इजीली आके अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके यहाँ पर खा पी भी सकते हैं, गाड़ियाँ देख भी सकते हैं और ऑक्शन भी हो जाएगी। यार ये गाड़ी अच्छी है। गोंचे फिर देखिए यार, ध्यान रखी, ये गाड़ी मुझे अच्छी लग रही है, सिटी। और ये भी कोई RS टर्बो खड़ी है, ये तो मेरे ख्याल से विज़िटर्स की गाड़ियाँ खड़ी हैं जो लोग देखने आ रहे हैं ऑक्शन। और ये जो लाइन में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये इनकी ऑक्शन होनी है। फ़िलहाल तक तो अभी ये कुछ गाड़ियाँ आई हैं जिनकी ऑक्शन होगी आज, और उस साइड पे भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं और मज़ीद गाड़ियाँ भी आ रही हैं। हाँ जिमी किधर है यार? मैं इधर ऑक्शन पे हूँ, जल्दी आओ यार, AMG लगानी है। पता नहीं किधर रह गया यार, आने वाला ही होगा, रास्ते में ही होगा, मेरे पीछे ही थे लेकिन ये कुछ खाने रुक गए थे। और अहमद साहब, सर आप बताएं पसंद आया आपको फिर? ओ यार ध्यान भाई, शूटर निकालो यार, पापा का फ़ोन आ रहा है यहाँ जाने। हाँ हाँ निकाल रहा हूँ, अब क्या करूँ यहाँ ही निकाल रहे हो, इतनी स्लो चला रहे हो यार। अच्छा अच्छा ये ले। किसने कहा था बेटा उधर समोसे खाने को? यार भूख लगी थी, अब समोसे भी ना खाता यार। वैसे थे यार मज़े के। और यहाँ ये चाचे के समोसे बड़े मज़े के होते हैं यार, मज़ा आ गया वैसे। वही यार वो चेक करो, वो पीछे आ भी रहा है या नहीं, कहीं मेरी गाड़ी मार तो नहीं बैठा? बेटा मैंने तो तुझे कहा था खुद चला,
तुझे शौक था उसे देने का। ओ यहाँ आपने भी तो दी थी उसको गाड़ी कल। चल कोई नहीं, चला लेगा। आ गया पीछे ही है। ओहो वाह यार क्या गाड़ियाँ। वहाँ यहाँ इधर तो काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई हैं। हाँ हाँ यार चेक तो कर। ओए गोंचे ये तो बाहर ही खड़ी करनी है, ऐसा करता हूँ बाहर ही लगा देते हैं इसे। वाह यार आज जिमी की गाड़ी लॉन्ग पे चला के मज़ा ही आ गया। अरे स्टर्बो की बात अलग ही है, अपनी खैबर तो अभी मैंने चलाई ही नहीं सही से। कल भी ध्यान भाई लेके गए थे घर, घर ही खड़ी अभी निकाली नहीं, उसे निकालेंगे आज ज़रा ऑक्शन से फारिग हो जाएं। वाह यार क्या कमाल कमाल की गाड़ियाँ आई हुई हैं। ओहो इधर लगाते हैं ये गाड़ी, ज़रा एहतियात से लगाते हैं वरना जिमी शुरू हो जाएगा। इधर सही है। वाह यार क्या पार्किंग की है मैंने, एक दफ़े से रेस भरते हैं, जिमी तो है नहीं। वाह यार कमाल। चलो यहाँ आए। आ जा और कमरान कैसा है? सर ठीक आप सुनाए। यार ये देख ली फिर इसको। जी जी सर छोड़ दे इसको। वाह यार अरेंजमेंट तो बड़ा कमाल का किया है। यार पापा ने बताया नहीं यार, पापा ऑक्शन कर रहे हैं, इवेंट कह रहे थे। यहाँ इतनी कमाल की ऑक्शन रखी हैं, गाड़ियाँ तो चेक करो, ये तो हमारे शोरूम की गाड़ियाँ हैं। यहाँ बाई गाड़ियाँ देखी हैं और अभी बेटा 9 बजे हैं सिर्फ। वही गाड़ी लगा के आए सही है लगाया हूँ। वहाँ यार ध्यान भाई इधर आओ ना यार, इधर तो देखें यहाँ ये काफ़ी बंदे खड़े हैं, लगते हैं कोई काम कर रहे हैं। हाँ आ गया। वहाँ यार पापा आपने बताया ही नहीं इतना कमाल का इवेंट है। हाँ बस देख ले यहाँ, मतलब ऑक्शन है यार पूरी। हाँ हाँ पूरी ऑक्शन है, अभी तुम लोगों ने काम करना काफ़ी। ध्यान इधर आना। जी अंकल। यार ये इधर आके ये कंप्यूटर संभाल अभी। ओके अंकल मैं इसको हैंडल करता हूँ। इधर क्या करना है? यार ये डाटा एंटर कर। वहीं ऐसा नहीं, इधर तो आए हम राउंड लगा के आते हैं। हाँ हाँ देखो। ओहो ये है ना यार काम की चीज़। ओ यहाँ इधर आ, पूरा खाने पीने का सिस्टम है। ओए चेक तो कर। ओहो भाईजान क्या बेच रहे हो यार? वहाँ यार अंडे वाला बर्गर, ये तो खाएंगे यार। और ये क्या है? स्लश है, कॉफ़ी है, जूस है। वहाँ यार ओहो ए हम भी लें। ओ यार लेते हैं आके लेते हैं ना, इधर आ गाड़ियाँ तो देखें। हैं देखते हैं यार। वहाँ यार सिटी अच्छी लग रही है यार, साफ सुथरी गाड़ियाँ। ओहो यार टिंटेड विंडोज रिम चेक कर यार कमाल के। ओए ओ ये तो अपनी वाली गाड़ी है। ओए और यहाँ आ रहे टर्बो यार, वाइट में गाड़ी मज़ा नहीं करवाती है। ये वाइट में बड़ी अच्छी लगती है यहाँ, लेकिन ब्लैक की बात जो है ना वो अलग ही है। और यहाँ ये तो चेक कर, करोला खड़ी है। ओहो मेरान खड़ी है, ऑल्टो खड़ी। ओ यार ये चेक कर हसन, इक्के 9 अच्छी लग रही है यार ये गाड़ी भी। सिविक एक्स ओरियल है। ओ यार ओरियल से अपना काम नहीं, ओरियल फजूल गाड़ी है। टूटी खड़ी है। ओ यार अच्छी लग रही है, रिबर्थ अच्छी लग रही है यार। ओए होए यार अपनी पुरानी गाड़ी की याद आ गई से देख के, करोला। लेकिन ये अल्टस है 1.6 SR, क्रूज़र खड़ा है, अच्छा है यार। यार ये गाड़ी देख के ना करोला, ये अपनी गाड़ी पुरानी। वाह यार BMW भी किसी की खड़ी है, लगता है ये कोई विजिटर आया हुआ है, गाड़ी तो अच्छी है इसकी। और यहाँ ही मेरी गाड़ी खड़ी है। वही चेक करूँ इसे मारी तो नहीं कहीं से। नहीं सही है सही है। चलो अब दूसरी साइड पे जाके देखते हैं उधर कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वहाँ यार ये गाड़ियाँ अच्छी हैं। और यहाँ इस गाड़ी को देख के तो पूरी अपनी पुरानी गाड़ी की याद आ गई, बिल्कुल वैसी है सिर्फ कलर चेंज है। यहाँ रिबोन खड़ी हैं, रिबोन भी अच्छी हैं। भाई ये तो अपनी पुरानी गाड़ी जैसी है ना, देख यहाँ सिर्फ कलर चेंज है वैसी। यार इसकी याद आ रही है यहाँ उस गाड़ी की, मुझे भी बड़ी याद आती है यार। लोग भी बहुत कहते हैं कि यार वो गाड़ी वापस ले हो। अब वो गाड़ी कैसे वापस लेके आए यार?
हाँ यार माइक ऑन है? जी जी अंकल माइक सेट है। हेलो हेलो हेलो, आप सब लोगों का वेलकम प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट्स की पहली ऑक्शन पे। आप सब लोग सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर करवा रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हमारे पास आई हुई हैं ऑक्शन के लिए, जिनकी ऑक्शन अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है ऑक्शन। तो आप सब लोग रेडी रहें, ऑक्शन शीट्स आप लोगों के पास होंगी तो उससे देख के आप लोगों को प्राइस का अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है, बिडिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग काइंडली सब अंदर आ जाएं। मेरी आप लोग आ जा, आप लोग सब लोग अंदर बिडिंग स्टार्ट होने वाली है। आ जा, होने वाली है, हम लोग बिड स्टार्ट करने लगे हैं। तुम दोनों मेरी बात सुनो, तुम लोग अनाउंस करोगे ठीक है ना, जैसे ही तुम लोग अनाउंसमेंट करोगे जो कस्टमर अपनी गाड़ियां लेके अंदर आएंगे ठीक है, उसके बाद तुम लोगों को डिटेल्स पता है गाड़ियों की। बाकी गाड़ी जो है कामरान चेक करेगा और कस्टमर्स को कन्विंस करेगा कि वो गाड़ी पे ज़्यादा से ज़्यादा बिड करें और तुम लोग वो अनाउंस करोगे, सही है? हाँ हाँ यार ठीक है, जाओ यार आप। हाँ हाँ जी जी अंकल कर लेंगे। चलो यार इधर भी लोग कस्टमर्स ये गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं जो हमारी अपनी शोरूम की गाड़ियाँ खड़ी हैं। इनमें से काफ़ी गाड़ियों की तो मेरे ख्याल में सदीक बता रहा है कि कुछ गाड़ियाँ तो बिक गई हैं, लोगों ने वैसे ही आके ख़रीद ली हैं और कुछ गाड़ियों की ऑक्शन होनी है। आ जाए माइकल साहब बैठ जाएं। वाह अहमद साहब आप तो बड़ा सोफ़ा लगा के बैठ गए। जी जी सर सब कुछ अवेलेबल है, बैठे बैठे आप। ओ यार मुझे तो समझ के बाहर जा रहे हो करेंगे। ओए ओए हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूँ ना तेरे साथ। अभी बस बिडिंग स्टार्ट करते हैं ना, ऑक्शन स्टार्ट करते हैं, टेंशन क्यों ले रहा है यार। यार मुझे समझ ही नहीं आया यहाँ करना क्या। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा गाड़ी उसी को मिलेगी, सही है? तो सबसे ज़्यादा बोली लगानी है। कामरान यार गोंचे को बोल गाड़ियाँ भेजे। हाँ अच्छा अच्छा गोंचे, जैसे अनाउंसमेंट होगी ना गाड़ियों को अंदर आने दें, सही है? एक टाइम पे एक गाड़ी। जनरली साहब रेडी हो जाएं, गाड़ियाँ आने लगी हैं, खूबसूरत गाड़ियाँ आने लगी हैं। हाँ तो आप सब लोग यहाँ तैयार हो? हाँ फिर तैयार हो तो यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं बस। होंडा सिटी रेड कलर की एस्पायर अंदर आ जाए। होंडा सिटी रेड कलर की आ जाए अंदर। होंडा सिटी एस्पायर आ रही है यहाँ, सबर कर लो दो मिनट। होंडा सिटी एस्पायर 1.5 एस्पायर फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2021 मॉडल है। आजो जी आजो, गड्डी आ गई सोनी गड्डी, होंडा सिटी एस्पायर चेक करो, लाओ पैसे फिर। देखो जी गड्डी चेक करो यार, होंडा सिटी एस्पायर आ गई है, 21 मॉडल, टोटल जेन्युइन फर्स्ट ओनर गड्डी है। ओनर से बात करते हैं फिर। हाँ जी भाई जान कितने की देनी है? 36 लाख की। 36 लाख की, 36 लाख वे लाओ बोली। गड्डी वेकी है यार, गड्डी सोनी है, सीला पूरी ने गड्डी ओके। बिडिंग शुरू करें, बिडिंग शुरू करें, लगाएं पैसे, लगाएं पैसे। 28 लाख लग गया, 28 लाख, 28 लाख, 28 लाख, होंडा सिटी 28 लाख। ऊपर आओ 30 लाख, 30 लाख लग गया, 30 लाख, 30 लाख से ऊपर बढ़े कोई, 30 लाख से ऊपर बढ़े 32 लाख, 32 लाख लग गया, 32 लाख, जाहिर 32 लाख की देनी है, 36 की देनी है। होंडा सिटी लास्ट 32 लाख लगाए, जाने दे, जाने दे होंडा सिटी, जाने दे होंडा सिटी 32 लाख। होंडा सिटी स्पायर 1.5 32 लाख, टोटल जेन्युइन फर्स्ट ओनर। टोयोटा करोला GLI 16 मॉडल आने दें, टोयोटा करोला GLI, टोयोटा करोला GLI, टोयोटा करोला GLI 16 मॉडल आ गई है, टोयोटा करोला GLI 16 मॉडल आ गई है, सेकंड ओनर गाड़ी है, टोटल जेन्युइन कंडीशन बताई जा रही है, कामरान साहब चेक करें गाड़ी। टोयोटा करोला 16 मॉडल, तगड़ी गड्डी आ गई है, चेक करो। ओहो गड्डी कमाल दी है, चेक करो, पैसे लाओ। लोअर नंबर है, साइड्स गाड़ी की शावर है, छत पिलर जेन्युइन है, डिग्गी जेन्युइन है, बुलेट जेन्युइन है, रिम टायर अच्छे हैं, सीले पूरी हैं। बिडिंग शुरू करें, बिडिंग शुरू करें, पैसे लगाएं, पैसे लगाएं, टोयोटा करोला 16 मॉडल पैसे लगाएं। सारी गड्डी ओके है, जो भी गड्डी लेगा एंजॉय करेगा, जबरदस्त गड्डी, टोयोटा करोला 16 मॉडल GLI सिल्वर कलर, खूबसूरत गड्डी। 25 लाख, 28 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 ल
नहीं जी नहीं देनी। ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए। 32 लाख 32 लाख टोयोटा करोला चाहिए नहीं जाए। 32 लाख फाइनल फाइनल 32 लाख टोयोटा करोला चाहिए नहीं। टोयोटा करोला चाहिए नहीं। 2016 मॉडल रास्ता छोड़ दें। जाने दें जाने दें जाने दें रास्ता दें रास्ता दें। टोयोटा करोला चाहिए नहीं। 2016 मॉडल 32 लाख। होंडा सिविक ईके 9 आने दें। 2000 ईके 9 सिविक गोल्डन कलर। होंडा सिविक ईके 9 2000 ईके 9 गोल्डन कलर। होंडा सिविक 2000 सिन नंबर। होंडा सिविक 2000 सिन नंबर। क्लियर डॉक्यूमेंट सीपीएल से क्लियर। कामरान साहब गाड़ी चेक करें। कामरान साहब गाड़ी चेक करें। होंडा सिविक ईके 9 2000। इस गाड़ी पे पैसे लगाने चाहिए। हां हां गाड़ी अच्छी है। तगड़ा होंडा आ गया। तगड़ा होंडा। होंडा सिविक 2000 चेक करो। राउंड शावर है। छत पिलर जेन्युइन है। अपने इंजन में चेक करो। सोनी गाड़ी तैयार हुई है। मॉडिफाइड होंडा सिविक 2000। लाओ पैसे। क्लियर डॉक्यूमेंट्स क्लियर सीपीएलसी क्लियर टोकन। चेक करो गाड़ी। लाओ पैसे। खूबसूरत रिम टायर बॉडी किटा लाइटा। शौकिया बंदे ने गड्डी तैयार की थी। ये शौकिया बंदे लवेंगे। कोई होंडा सिविक आला लेगा? कोई होंडा सिविक। खूबसूरत रूम रूम देखो गड्डी का। एंड्रॉइड पर लगया है। भाई जन फाइनल क्या माइंड है? 13.5 लाख 13.5 लाख दी देनी है गड्डी। 13.5 लाख दी। होंडा सिविक लाओ पैसे। लाओ पैसे। 9 लाख 9 लाख 1 9 लाख 2 9 लाख 3 10.5 लाख 10.5 लाख 10.5 लाख 10.5 लाख देनी गड्डी। 10.5 लाख 11 11.5 लाख 11.5 लाख ओ भाई 11.5 लाख नहीं 11 लाख 11 लाख 11 लाख 11 लाख 11 लाख से ऊपर वाला कोई है? 11 लाख से ऊपर वाला कोई है? जल्दी जल्दी पैसे लगाएं। जल्दी जल्दी पैसे लगाएं। बाकी गाड़ियां भी खड़ी हैं लाइन में। बाकी गाड़ियां भी लाइन में खड़ी हैं। टाइम खत्म होने वाला है। जल्दी जल्दी पैसे लगाएं। 12.25 होंडा सिविक ईके 2000 हैं। कितना गाड़ी अच्छी है? 12.25 की देनी है भाई। 12.25 12.25 भाई 12.25 की देनी है भाई। अच्छी लग गई है दे दो 12.25 की। फाइनल करो यार 12.25 भाई जान दे दो। 12.25 की अच्छी जा रही है देनी है? नहीं नहीं जी 12.25 की नहीं देनी। 12.5 फाइनल। हाँ जी 12.5 फाइनल भाई जान दे दो। दे दो 12.5 की फाइनल। चलो जी होंडा सिविक बिक गई। 12.5 होंडा सिविक बिक गई। जान दो होंडा सिविक बिक गई। होंडा सिविक 2000 ईके 9 सोल्ड। होंडा सिविक 2000 ईके 9 सोल्ड। होंडा सिविक 2000 ईके 9 जाने दें। होंडा सिविक 2000 ईके 9 जाने दें। भाई जान इसका जो है ना 58 लाख बड़ा अच्छा लग गया भाई जान दे दो। मौके पे खड़ा बंदा गाड़ी लेने को तैयार है। सबसे ज़्यादा आपकी गाड़ी का रेट लग गया 58 जाने दो भाई जान। मैं गाड़ी लेने को तैयार हूँ। आप बताएं 58 की देनी है कि नहीं देनी? भाई जान दे दे 58 की। 100 की दूंगा। चलो यार ना आपकी ना मेरी ठीक है। 58 50 में डन करो यार। चलो 59 कर लो यार। 59 में बस डन करो अब डील भाई जान। 59 में हो गई डील। हो गई डील। होंडा सिविक 21 मॉडल होंडा सिविक सोल्ड। 21 मॉडल होंडा सिविक सोल्ड। होंडा सिविक 21 मॉडल सोल्ड। होंडा सिविक 21 मॉडल इस्लामाबाद नंबर सोल्ड। होंडा सिविक 21 मॉडल जाने दें। होंडा सिविक 21 मॉडल जाने दें। भाई जान आपकी सड़क नहीं है साइड पे हो जाएं सारे। ओए ओए इजी इजी क्या हो गया जिमी? यहाँ सारे ऐसे खड़े हो जाते हैं ना गाड़ियों को लगती है। चले जरा मैं देख के आया। सदीक साहब काम सही चल रहा है? ओह ये जी बॉस। चलो यार चेक तो करें। इधर भी लोग काफ़ी खड़े हैं गाड़ियाँ वगैरह देख रहे हैं और ऑक्शन काफ़ी अच्छी जा रही है और ये लड़के काफ़ी सही से ऑक्शन को हैंडल कर रहे हैं और कर रहे हैं। टोटल जर्मन अभी भी सामने गाड़ी खड़ी हुई है रिबर्थ। हाँ कैसा काम जा रहा है बॉयज? भाई जान इतने की तरह ना बनती यार। 36 लाख की लगाओ यार। ये 36 लाख तो समझ आती है। आप एक डायरेक्ट ही आए 42 हैं यार। 36 लाख की लगाओ यार। ये समझ नहीं आ रही गाड़ी आपकी है। मैंने चला ठीक है यार। लगाओ यार रेट लगाओ गाड़ी को है। होंडा सिविक रिबर्थ 2016 मॉडल टोटल जेन्युइन फर्स्ट ओनर। लगाओ पैसे। किसने लेनी है? 2850 2850 ही देनी है भाई। 2850 होंडा सिविक। होंडा सिविक जाने दे। होंडा सिविक जाने दे। होंडा सिविक सोल्ड। होंडा सिविक सोल्ड है। कैसे होंडा सिविक जाने दे। ब्रो कब बारी आएगी यार हमारी? की अनाउंसमेंट मैं करूंगा। अभी मैं करूंगा। टोयोटा करोला आने दे। टोयोटा करोला अल्टस सिल्वर। टोयोटा करोला अल्टस आने दे। टोयोटा करोला 2013 टोयोटा करोला अल्टस SR 1.6 आने दें। टोटल जेन्युइन फर्स्ट ओनर इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। ओ यार ये गाड़ी आई है ना कमाल की। आओ टोयोटा करोला आ गई अल्टस 1.6। टोयोटा करोला अल्टस 1.6 टोटल जेन्युइन। टोयोटा करोला अल्टस 1.6 टोटल जेन्युइन फर्स्ट ओनर इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। क्लियर डॉक्यूमेंट्स क्लियर बायोमेट्रिक क्लियर टोकन। चेक करो गाड़ी। साफ सुथरी खूबसूरत गाड़ी। चेक करो यार।
लगाओ पैसे टोयोटा करोला एल्टस 1.6 2013 भाई साइड पे भाई साइड पे गाड़ी तो देख रहे तो भाई साइड पे और जाओ ओए मैं देखूंगा आराम से आराम से ये गाड़ी देखने दो साइड पे जा सब ओहो गाड़ी तो अच्छी है 32 लाख ओहो 32 लाख पहला कस्टमर 32 लाख देनी गाड़ी 32 लाख टोयोटा करोला एल्टस 32 लाख टोयोटा करोला एल्टस 32 लाख ऊपर आए नहीं जी नहीं देनी गाड़ी 40 फाइनल है टोयोटा करोला जाने दें चालीस फाइनल भाई सबर करो डील करो भाई तगड़े बंदे नहीं देनी 40 से नीचे की 40 फाइनल है इसका लास्ट 36 लग गया गाड़ी को भाई करो ना भजन देनी है 36 की यार आप 36 की मुझे दे दो ब्रो 40 से नीचे की नहीं दूंगा गाड़ी 40 फाइनल है इसका हाँ जी हो गया जान दो टोयोटा करोला एल्टस जाने दे भजन 40 लाख की देनी है आपने इससे नीचे की नहीं देनी गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है यार जी ब्रो इतने की देनी है ओ भाई डील बनानी है तोड़ने आए भाईजान 36 की दे दो ब्रो नहीं देनी इतने की 40 फाइनल है टोयोटा करोला का जाने दे टोयोटा करोला एल्टस 1.6 लास्ट 36 डिमांड 40 यार ब्रो इन्होंने हमें आगे ऑक्शन नहीं करने दी देखते हैं अभी आगे जाके तो रुकना है ना हाँ यार उस बंदे ने मुझे कहा है कि आप गाड़ी खड़ी करके अंदर आ जाएं वापस कोई बात करनी है मेरे ख्याल से ओनर को पसंद आ गई हमारी गाड़ी जो शोरूम का ओनर है शायद वो लेना चाह रहे पता नहीं यार चलो अभी कुछ गाड़ियों की ऑक्शन तो होनी है गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं वहाँ जाते हैं ये देखो ब्रो ये जिस गाड़ियों की ऑक्शन होगी यहाँ खड़ी हुई है छत पे लो जेन्युइन कह रहे हैं कि छत पे इसकी जो है ना शावर लग रही है स्प्रे लग रही है टोयोटा करोला जीएलआई 2011 टोयोटा करोला जीएलआई 2011 लास्ट 2075 लगाए गाड़ी को गाड़ी जाने दें टोयोटा करोला जीएलआई जाने दें टोयोटा करोला जीएलआई लास्ट 2075 टोयोटा करोला जीएलआई लास्ट 2075 अगली गाड़ी आने दें सुजुकी मेरान एके बॉस VXR L AC हीटर AC हीटर क्या लगा दिया ओ VXR L AC गाड़ी AC वाली Honda Civic Reborn 2006 Reborn Honda Civic Reborn राउंड शावर छत पिलर जेन्युइन तगड़ी गड्डी आ गई है तगड़ी गड्डी 4x4 V8 Toyota Land Cruiser V8 की बिडिंग स्टार्ट करें पैसे लगाएं जल्दी करें सोनी गड्डी चेक करो यार सोनी गड्डी Toyota Land Cruiser V8 टोटल जेन्युइन इस्लामाबाद नंबर क्लियर डॉक्यूमेंट्स हाँ जी भाई जान कितने की देनी है V8 कितने का देना है 1,30,00,000 1,30,00,000 V8 1,30,00,000 डाउन मॉडल उन ध्यान सुनो ऑडी A4 क्लियर सारा कुछ क्लियर इस्लामाबाद रजिस्टर्ड अपने शोरूम की गड्डी है टोटल जेन्युइन नॉन एक्सीडेंटल गारंटीड हर चीज़ की गारंटी दसों कितने लाओगे पैसे लाओ पैसे फिर पैसे जितने मर्जी लगाओ डिमांड है 1,20,00,000 है 90,00,000 90,00,000 दी यार देनी नहीं है उतने आओ यार 1,05,00,000 ये भाई ने अच्छा रेट लगाया गाड़ी का यार 1,11,00,000 में फाइनल कर ले 1,11,00,000 में फाइनल डील हो गई 1,11,00,000 फाइनल ऑडी सोल्ड यार हिम्मत है कामरान की सुबह से बोल रहा है यार ऊपर आए हाँ यार किसी ने पानी भी नहीं पूछा इस बेचारे को मार्जिन रख के ही गाड़ी बेचनी है ना अब ये गाड़ी बिकेगी या नहीं बिकेगी नंबर मर्सिडीज यार लगता तो है बिक जाए गोल्डन नंबर मर्सिडीज गाड़ी काफी महंगी है यार बंदे तो हैं यहाँ पर खरीदने वाले C63 गोल्डन नंबर यार वैसे आज गाड़ी काफी कमाल की थी और तुम लोगों ने अच्छा काम किया वैसे यार हमारा तो ठीक था हमारे पास कॉफी थी और जूस वगैरह भी था हमारा तो गुजारा हो गया बेचारा कामरान एक दफा पानी भी नहीं पिया उसने हाँ यार पापा को कहता हूँ यार इसे थोड़े पैसे पकड़ाने यार आज इसने बहुत काम किया गाड़ी अब आप लोग डिसाइड कर लें नहीं नहीं सर ले देंगे गाड़ी ऊपर आए थोड़े पैसे ऊपर करें हाँ जी 1,40,00,000 वाह यार लड़कों कमाल कर दिया
ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने आज। ख़ास तौर पे कामरान बेचारे का तो गला ही सूख गया होगा। खैर, शोरूम की बाकी सारी गाड़ियाँ सोल्ड हो गई हैं, सिर्फ एक ये E55 नहीं बिकी। यहाँ E55 नहीं बिकी? हाँ, E55 नहीं बिकी, बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हम लेके आए सारी सोल्ड हैं। चलिए अंकल, कॉन्ग्रेट्स। और यार, हम लोगों ने कुछ नई गाड़ियाँ भी ली हैं, जरा तुम लोगों को दिखाऊँ। यहाँ पापा, वो आपने कहा था ना रिबर्थ छोड़ दो। हाँ हाँ, सारी गाड़ियाँ ली हैं, ये तीनों टोटल जेन्युइन गाड़ियाँ हैं, स्क्रैचलेस कंडीशन में और बहुत फर्स्ट ओनर और केयर से रखी हुई गाड़ियाँ। तो ये गाड़ियाँ अच्छी कीमत में जा सकती हैं और हमें अच्छा प्रॉफिट देंगी, इसलिए ये तीनों गाड़ियाँ मैंने ख़रीद ली हैं। तीनों टोटल जेन्युइन है, रिबर्थ, सिटी और ये अल्टस। जी अंकल, ये गाड़ियाँ मुझे भी काफ़ी पसंद आई थी। यहाँ ये सिटी तो मुझे भी अच्छी लगी थी, इसका कलर अच्छा है। हाँ यार, ये तीनों गाड़ियाँ अच्छी हैं, इनको हम अच्छे प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। मस्त। यहाँ पापा, ख़त्म ऑक्शन? हाँ यार, बैठो गाड़ी में। अंकल थक गए बहुत। हाँ यार, तुम लोगों ने बहुत काम किया सुबह से। चलें हम घर? अंकल घर जा रहे हैं? हाँ यार, घर जा रहे हैं, बाकी वो सदीक और कामरान देख लेंगे, वो जिन लोगों ने गाड़ियाँ परचेज की हैं उनसे पेमेंट किस तरह लेनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और वो स्टाम्प सब कुछ वो हो रहा है ना। चलिए ठीक है अंकल। हाँ, बाकी वो गाड़ियाँ भी ले आएंगे शोरूम, खुद ही सुबह ले आएंगे। हम लोग अब निकलते हैं। खैर, काफ़ी अच्छी रही ऑक्शन यार, और अब सुबह पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ, लेकिन जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। वहाँ यार, ये तो ज़बरदस्त हो गया ना फिर।